जब अकेले सुपर हीरोज ही काफी नहीं होते तो दुनिया को लेजेंड्स की जरूरत होती है, और डीसी यूनिवर्स के ये सभी लेजेंड्स हमें देखने को मिलते हैं द लेजेंड्स ऑफ टुमारो सीरीज में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्सप्लेनर में, और आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे द लेजेंड्स ऑफ टुमारो के 6 सीजन। लेकिन दोस्तों, मैं सीजन के इंडिविजुअली हर एक एपिसोड तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूं या उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक से लेकर 6 सीजन तक क्या कुछ स्टोरी लाइन है, कौन से सीजन में कौन सा इवेंट होता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बिना चप्पल उतारे घुस जाओ हमारे स्पेसशिप में और चलिए करते हैं टाइम ट्रेवल। जी हाँ, ठीक सुना आपने, द लेजेंड्स ऑफ टुमारो वेब सीरीज टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है। सीरीज शुरू होती है 2166 में, जहाँ वेंडल सेवेस नाम का इमोर्टल विलन पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में लगा रहता है। इस दौरान वेंडल सेवेस सीरीज के मेन कैरेक्टर में से एक रिफ हंटर की फैमिली को भी मार देता है। रिफ हंटर इसका बदला वेंडल सेवेस से लेना चाहता है, जिसके लिए वो टाइम मास्टर से पास्ट में जाकर वेंडल सेवेज को खत्म करने की मांग करता है, लेकिन टाइम मास्टर रिफ हंटर की बात नहीं मानते हैं, जिसके बाद रिफ हंटर खुद ही अपनी स्पेसशिप लेकर पास्ट में चला जाता है, यानी कि 2016 में। यहाँ पहुंचकर रिफ हंटर सबसे पहले कुछ सुपर हीरोज और कुछ सुपर विलन को इकट्ठा कर उनकी एक टीम बनाता है। अब रिफ हंटर की इस टीम में कौन कौन रहता है ये भी चलो आपको बता देता हूँ, वैसे वेब सीरीज आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो टीम में एटम, वाइट कैनरी, फायर स्टॉर्म, हॉक गर्ल, हॉकमैन, कैप्टन कोल्ड, हीट वेव शामिल रहते हैं। बिना टाइम मास्टर्स की आज्ञा के समय रेखा में छेड़छाड़ करने को लेकर टाइम मास्टर्स रिफ को मारने के लिए क्रोनोस को भेजते हैं। अब हमारे लेजेंड्स कैसे क्रोनोस से बचते हैं, वेंडल सेवेज को हरा पाते हैं या नहीं, साथ ही समय रेखा में की गई छेड़छाड़ से और क्या कुछ इवेंट क्रिएट होता है, यह सब आपको लेजेंड्स ऑफ टुमारो के पहले सीजन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, सीजन टू में भी हमारे लेजेंड समय रेखा को बचाने में जुटे रहते हैं, क्योंकि सीजन फर्स्ट में रिप और उसके सुपर हीरोज ने टाइमलाइन में काफ़ी छेड़छाड़ कर दी थी। तो सीजन टू की शुरुआत होती है 1942 से, जहां हमारे लेजेंड्स हिस्ट्री में हुई गड़बड़ी को सही कर रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि रिप सभी लेजेंड्स को अलग अलग टाइमलाइन में भेजना पड़ता है। वहीं सीजन टू में हमें काफ़ी नए सुपर हीरोज भी देखने को मिलते हैं, साथ ही सुपर सोल्जर सीरम से बने सुपर सोल्जर और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सुपर हीरोज भी सीजन टू में देखने को मिलते हैं। तो सीजन टू वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आप ये कह सकते हैं कि इसमें पूरा का पूरा डीसी यूनिवर्स जो है लगभग इस सीजन टू में शामिल हो रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीजन तीन की बात करते हैं। तो सीजन थ्री में रिप टाइम लाइन को बचाने के लिए टाइम ब्यूरो बनाता है, वहीं इस दौरान ब्यूरो एजेंट एवा शार्प को पकड़ लिया जाता है। एवा कैसे अपने पावर्स पर कंट्रोल करती है, टाइम लाइन में क्या कुछ चल रहा है, इसी के इर्द गिर्द पूरा सीजन घूमता है। दोस्तों, सीजन फोर आते आते टाइम ब्यूरो का कप्तान जो है वो सारा बन जाती है और रिप हंटर की मौत हो जाती है। अब रिप की मौत कैसे होती है ये आपको सीजन थ्री में देखने को मिलेगा। वहीं सीजन फोर फुल मैजिकल सीजन है, पूरे सीजन में कई मैजिकल इवेंट्स देखने को मिलते हैं, साथ ही कई मैजिकल क्रिएचर भी इस सीजन में देखने को मिलते हैं। अब अपने लेजेंड्स इन सबसे कैसे निपटते हैं, बस यही सब कुछ सीजन फोर में दिखाया गया है। पर्सनली ये वाला सीजन मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीजन है। वहीं दोस्तों, इस सीजन में विच हंटिंग, परियों की कहानी वगैरह वगैरह भी दिखाया गया है। तो फैंटेसी मूवीज या फैंटेसी वेब सीरीज जिन्हें पसंद है तो उन्हें ये वाला सीजन काफ़ी पसंद आने वाला है। सीजन पाँच। सीजन फाइव में एस्ट्रा लॉग, जिसे जॉन ने गलती से हेल में भेज दिया था, उसने हिस्ट्री में बुराई को एक बार फिर से जीवित कर दिया है, जिसे एनकोर्स के रूप में जाना जाने लगा है। अब लेजेंड्स एनकोर्स से लड़ने में जुट जाते हैं, इस दौरान कुछ नए सुपर हीरोज भी हमें सीजन में देखने को मिलते हैं। वहीं आखिरी एपिसोड में लेजेंड्स की टीम मेंबर सारा को एक रहस्यमय बीम द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब सारा को कौन कैप्चर कर लेता उस अननोन बीम से, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा सीजन सिक्स में। तो दोस्तों, लेजेंड्स ऑफ टुमारो वेब सीरीज के आखिरी सीजन यानी कि सीजन सिक्स में टाइमलाइन में एलियंस की एंट्री भी होती है। आखिर वे कौन लोग होते हैं जो एलियंस को धरती पर भेजते हैं, कैसे हमारे लेजेंड्स इन एलियंस से निपटते हैं, और क्या लेजेंड्स टाइमलाइन को बचाने में सफल हो पाते हैं, यह सब कुछ सीजन सिक्स में देखने को मिलेगा।
ग्राफिक सीजीआई में तो सीजन 6 का कोई जवाब ही नहीं है। कमाल के इफेक्ट्स पूरे सीजन में हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही जो सुपर हीरोज हैं तो उनकी भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हमें सीजन 6 में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी लेजेंड्स ऑफ टुमारो वेब सीरीज के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको सीरीज की स्टोरी लाइन अच्छी लगी हो या फिर आप डीसी कॉमिक्स के फैन हो, फिर चाहे आप बैटमैन, सुपरमैन, फ्लैश, वंडर वुमेन या फिर डीसी कैरेक्टर्स के किसी के भी फैन हो, तो आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत मारक मजा आने वाला है आपको इस वेब सीरीज को देखने। सीरीज के 6 के 6 सीजन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ये वेब सीरीज देखने का मूड बना रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप सीरीज के 6 सीजन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें, ताकि द एक्सप्लेनर के नए वीडियोज आपको मिलते रहें और इसी तरीके की मूवीज या वेब सीरीज को हम एक्सप्लेन करते रहें।